तो कोटक बैंक की तरफ से आज एक मैसेज आया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें ये लिखा गया है कि ये जो मेरा कोटक बैंक का क्रेडिट कार्ड है, इसका जो लिमिट मिला था उस लिमिट से मैंने ज़्यादा यूज कर लिया है, इसके लिए मुझे जो है ओवर लिमिट का चार्ज यानी कि ओवर लिमिट का फाइन जो है मेरे क्रेडिट कार्ड पे लगा दिया गया है। मैं बता दूं कि मेरा जितना लिमिट था उससे मैंने कम ही स्पेंड किए थे, यानी कि यूँ कहे कि मेरे क्रेडिट कार्ड में अवेलेबल लिमिट पॉजिटिव में ही था। इसके बावजूद भी कोटक बैंक ने जो है ये मैसेज यहाँ पे सेंड किए है, ये लिखते हुए कि मैंने जो है एक्स्ट्रा लिमिट यूज किया है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले मैं कोटक बैंक एप्लीकेशन को यहाँ से ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कि मेरा जो अमाउंट है उसको निगेटिव में कर दिया गया है। तो जैसे आप कोटक बैंक एप्लीकेशन के होम पेज पे आएंगे तो आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद आपको कार्ड ओवरव्यू पे जाना है, और जैसे आप कार्ड ओवरव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके कार्ड का जो भी डिटेल है वो शो कर दिया जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे जो क्रेडिट कार्ड में फिलहाल अवेलेबल लिमिट है वो माइनस में 494 रुपये है। तो मेरे में जो अवेलेबल लिमिट था वो करीब करीब 200 के आसपास था। तो और ये जो फाइन लगाया गया है वो टोटल 590 रुपये का, यानी कि 500 रुपये का ओवर लिमिट चार्ज और उस पर 18% का GST यानी कि 90 रुपये, तो टोटल 590 रुपये चार्ज किए गए हैं। तो मेरे में जो पॉजिटिव लिमिट था उससे माइनस होके यहाँ पे 494 रुपये 33 पैसे बचे हैं। तो मैं अभी आपके सामने कोटक बैंक को कॉल लगाऊंगा और मैं कस्टमर केयर से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो मेरा ओवर लिमिट का चार्ज है वो रिटर्न कर दे, क्योंकि कभी कभी किसी किसी केसेज में ये होता है कि बैंक जो है आपको ओवर लिमिट चार्ज जो है वो रिटर्न कर देते हैं। तो कोटक बैंक से बात करने के लिए इनका जो कोटक बैंक का नंबर होता है ये क्रेडिट कार्ड के पीछे आपको मिल जाएगा। तो कोटक बैंक का नंबर जो है ये है 1860226666। ये कोटक बैंक का नंबर है, इस पे आप कॉल करेंगे तो आपको जो है कोटक बैंक से बात हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पैड नंबर होता है, फ्री वाले रिचार्ज से बात नहीं होगा, आपको इसके लिए 10 रुपये का रिचार्ज करना पड़ेगा। हमारे फोन बैंकिंग ऑफिसर से बात करने के लिए कृपया आपका CRN और MPIN या फिर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड पिन आपके साथ रखें। मेरा नाम खेया है, मुझे आपकी सहायता करने में खुशी होगी। कृपया कुछ शब्दों में आपके कॉल करने का कारण बताएं। ओवर लिमिट चार्ज क्रेडिट कार्ड का माफ करवाना है। इस कॉल को जारी रखने के लिए आपको प्रमाणित करने की आवश्यकता है। अब हम आगे बढ़ेंगे इस CRN के साथ जिसका अंतिम नंबर है। कृपया लाइन पर बने रहें, हम आपकी बात अपने फोन बैंकिंग ऑफिसर से करवाते हैं। सर ये जो है वो चार्जेबल नंबर है, आप कॉल बैक कर सकते हैं प्लीज। मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है सर, मैं आपको कॉल बैक कर लेता हूँ, आप कॉल चेंज कर सकते ओके हैं। सर, ओके सर। तो जैसा कि देख सकते हैं मैंने उनको कॉल बैक का रिक्वेस्ट डाल दिया है और कुछ ही देर में ये देख सकते हैं कॉल जो है कोटक बैंक के कस्टमर केयर की तरफ से आ चुका है। एक्चुअली मेरे क्रेडिट कार्ड के तरफ से यानी कि मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मैसेज आया था कि मुझे जो है वो ओवर लिमिट का पेनल्टी लगाया गया है, पर मैंने ओवर लिमिट यूज नहीं किया। मेरे में क्रेडिट कार्ड में अवेलेबल लिमिट पहले से था, फिर भी ओवर लिमिट का चार्ज लगा दिया गया है। तो बताएंगे ये कैसे हुआ? मैं चेक कर लेता हूँ सर, आपके ओके। कार्ड नंबर सर अभी भी माइनस में शो कर रहे हैं, ठीक है, हाँ, माइनस में शो, 494 रुपीज आपके कार्ड माइनस में शो कर रहे हैं। हाँ जब क्योंकि वो, आपकी जो कार्ड की EMI चलती है ना, EMI के जो इंटरेस्ट और GST अमाउंट होते हैं वो आपके अवेलेबल लिमिट के पार्ट होते हैं हाँ, जी, तो वो आपके माइनस में चले जा रहे हैं कार्ड आपके। नहीं, तो वो EMI का जो EMI का जो अमाउंट था उसको तो मैंने अभी पे कर दिया है। इसका जो बिल है वो करीब करीब 20 तारीख के आसपास जनरेट होगा, तो उस टाइम ओवर लिमिट में जाएगा। अभी तो बिल जनरेट होने का टाइम ही नहीं है, और अभी तो मेरे में पॉजिटिव लिमिट था, यानी कि कल तक मेरे में पॉजिटिव लिमिट था 200 रुपये के आसपास, तो ओवर लिमिट में कैसे चला गया? दिखा रहा है 4,537 रुपये का आपका कार्ड की जो बैलेंस बना हुआ था आपका, ठीक हाँ है, हाँ ये आपको पेमेंट करना रहता है 2 2 तारीख तक। हाँ तो मैंने कर दिया था 1 तारीख को ये ही। पेमेंट कर दिया ना आपकी, उसके बाद आपकी जो एक EMI गई है हाँ 3,639 रुपये का, जैसे कि उसके बाद आपने 2,460 रुपये का अमाउंट भी यूज किया है, हाँ ठीक है,
और एक ईएमआई भी गई है 3,639 रुपया, ठीक हाँ है। हाँ, तो वो पेमेंट कर दिया, लेकिन वो माइनस करने के बाद जो ईएमआई गई है 3,639 रुपया, इसके इंटरेस्ट अमाउंट होते हैं 521 रुपया और जीएसटी होते हैं 93 रुपये, जो आपके अवेलेबल लिमिट के पार्ट होता है, इसलिए वो आपका कार्ड फिर से माइनस में चला गया है। तो ये बिल कब जनरेट होगा? इसका बिल जनरेट होता है जब वो ईएमआई का अमाउंट आएगा ना, बिल जनरेट होने से नहीं पहले? नहीं ईएमआई आपका जो 6 तारीख को, हर महीने की 6 तारीख को लग जाती है, बिल आपका बनता है 15 तारीख को, और पेमेंट आपको करना रहता है 3 तारीख तक का, 2 से 3 तारीख तक। यानी कि बिल, ये जो ईएमआई है वो 6 तारीख को हर महीने को लग जाता है, और फिर हर महीने बिल। की 6 तारीख को कार्ड पे लग जाता है, 6 तारीख को कन्वर्ट हुआ, 6 तारीख को लग जाता। हाँ, तो हम लोगों को तो यही लगा था ना सर, ऐसा तो कुछ पता नहीं रहता है, हमको तो लगा था कि जो ईएमआई 15 तारीख को होगा तो उससे पहले ही हम उसको पॉजिटिव में डाल देंगे, यानी कि कुछ अमाउंट हम पे कर देंगे ताकि ओवरऑल लिमिट जो है वो निगेटिव में नहीं जाए। पर ऐसा किसको, ऐसा तो पहली बार लगा कि बिल जनरेट होगा 15 को, उससे पहले ही आपका ईएमआई का अमाउंट जो है वो 10 दिन पहले लग जाएगा, तो ये कोई ऐसा थोड़ा ना हुआ सर। मेरा तो पिछले बार भी निगेटिव में गया था, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वाला जो ईएमआई है, सॉरी ये वाला जो मेरा पेनल्टी है ओवर लिमिट का, तो ये मेरी गलती की वजह से, यानी कि एक्चुअली ये कहीं भी नहीं मेंशन होता है ना कि ऐसा होता है कि आपको पहले से लिमिट एक्स्ट्रा रखना है बिल जनरेट होने से पहले, क्योंकि मैं बिल जनरेट होने से पहले कुछ ना कुछ डाल देता हूँ जो ओवर लिमिट में नहीं जाता है, पर ये तो केस उल्टा हो गया। तो आप रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये जो मेरा ओवर लिमिट का चार्ज है उसको माफ़ करने के लिए कोई रिक्वेस्ट डाल दीजिए। ठीक अगर है, ये जो चार्जेस लगे हुए हैं आपके 500 रुपीज, इसको मैं रिफंडेबल के लिए आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ, 7 वर्किंग डे का टाइम लगेगा, अप्रूवल बेसिस पे ही आपको रिफंड मिल जाएंगे। सर मतलब आप रिक्वेस्ट डाल दीजिए। वो मैंने डाल दिया सर, 7 वर्किंग डे में ये रिफंड हो जाएंगे आपके चार्जेस 500 रुपीज। थैंक यू सर। कॉल के बाद आपको फीडबैक कैसे बताएंगे सर, 0 to 10 रेटिंग की, 0 मीन सेटिस्फाइड नहीं, 10 मीन सेटिस्फाइड है, दी गई जानकारी द्वारा। थैंक यू फॉर कॉलिंग प्रोडक्ट, हैव अ नाइस डे। कॉल के बाद आपको एक फीडबैक है, 24 आवर्स में आपका एसएमएस आते हैं सर, ठीक है। ओके ओके इधर सर, फीडबैक शेयर ओके। कीजिएगा सर आपका। तो ये जो मेथड है ओवर लिमिट चार्ज को वापस लेने का, मैंने कोटक बैंक क्रेडिट कार्ड से आपको जो है वो दिखाया है करके। बाकी आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड है, चाहे वो HDFC का हो, फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड हो, या कोई भी बैंक का क्रेडिट कार्ड हो, आपको अगर ओवर लिमिट का चार्ज लग जाता है तो एक बार जो है कस्टमर केयर से जरूर बात करके आप उसको जो है माफ़ करवाने का रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेज में हर क्रेडिट कार्ड पे एक या दो जो ओवर लिमिट का फाइन होता है उसको रिफंड करने का या फिर माफ़ कर देने का जो है क्राइटेरिया रहता है, तो आप हमेशा ओवर लिमिट चार्ज को पे ना कर दे, एक बार कस्टमर से बात जरूर कर ले, अगर वो माफ़ हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो आप उसको पे कर सकते हैं। बाकी इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको गाइड कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।